Answer. दो स्टॉक ऑफ द डे दूंगा दीप आज हुँ. पहला है एक बाय और एक सेल ओके okay. पहला है आईसीआई आई लोमबार यहां पर खरीदारी करने की राय है सोलह सो तैस आपका है लॉस का लेवल है सोलह और पचानवे के टारगेट के लिए ओके okay. नतीजे आए हैं कल बहुत बढ़िया नतीजे उम्मीद से काफी बेहतर है हुँ. हर एक पैरामीटर पर उम्मीद नहीं थी कि इतने बढ़िया नंबर्स आएंगे दूसरी बात यह कि आ, आ, जेफ्रीज की तरफ से 1950 के टारगेट वाली रिपोर्ट है ही पहले से है मेंटेन रखा है सी ने डाउनग्रेड भले किया लेकिन उसके साथ टारगेट बढ़ाया है टारगेट घटाया नहीं है एच का उन्नीस का टारगेट है मुझे लगता है कि नंबर्स नेट प्रीमियम वन के लिहाज से भी आप देखें तो उम्मीद से बेहतर आया है प्रॉफिट बेहतर आया है हर एक पैरामीटर पर नंबर्स बढ़िया हैं ये स्टॉक पसंद आना चाहिए दूसरा स्टॉक है बिकवाली करने की राय बेचना है टाटा कम्युनिकेशंस के फ्यूचर्स में

गजब है उसमें तो कोई डाउट नहीं लेकिन रिजल्ट्स की कंसिस्टेंसी नहीं है नहीं आज हम मैनेजमेंट का इंटरव्यू भी करेंगे तब जानेंगे, उनसे कि भाई ऐसा हो क्यों ना तब तक फिलहाल बेचने की भागे भी था उन्नीस है पंद्रह टारगेट है सौ साठ अठारह सौ अड़तालीस और अठारह सौ अड़तीस ये तीन टारगेट के लिए आपको बेचना है उम्मीद से थोड़े कमजोर नतीजे दिख रहे हैं हर एक पैरामीटर पर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कमजोर आई है इनकी मार्जिन बीस परसेंट से घटकर साढ़े अठारह परसेंट डेढ़ परसेंट मार्जिन घटा है ये थोड़ा अच्छा संकेत नहीं तो मुझे लगता है एक बार स्टॉक थोड़ा हल्का हो सकता है बेचा जा सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये एडवाइस नहीं है वो पढ़ाए पढ़ा रखें अपने पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये और नौ बजे भी एक मेरे पास स्टॉक है जो रिजल्ट से हटकर है खबरों के दम पर भी है और जिस स्टॉक में कुछ बढ़िया एक्शन हो सकता है वो लेके आऊँ वो लॉन्ग साइड पर ठीक है चलिए और वोडोफोन का एफपीओ भी खुल रहा है उस बिल्कुल भी भी आज खुल रहा है वोडाफोन एफ का एफपीओ अब तक का भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फोलोन पब्लिक तो ऑफर वोडाफोन आएगी है